हेलो दोस्तों, मैं टुपाई का रफी से आप सभी लोगों के लिए मैं गांव से संबंधित वीडियोस लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूँ, सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका एज 65-70 तक पहुँच जाती है, उनका इस मौसम में सर्दियों के मौसम में ठंडियों के मौसम में घुटना जो होता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो लोग उस दर्द के चलते बहुत सारी दवाइयाँ भी खाते हैं, फिर भी उनका वो जो घुटना का दर्द है वो ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए गांव से संबंधित जड़ी बूटी से संबंधित ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, हम बनाने वाले हैं घुटनों का जो दर्द होता है उसे मिटाने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का, किन किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरह से उसका दवाई बनाया जाता है, किस तरह से बनकर तैयार होता है, साथ ही कितना समय लगता है और क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है घुटनों का जो दर्द होता है उसे मिटाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूँ, क्या क्या चाहिए, कितना समय लगता है और ये किस तरह से बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं ये मदाल का पेड़ है और इसमें एक छोटा सा फल भी है जो कि मैं आप लोगों को वो देख सकते हैं, ये फल हो इसे हम तोड़ेंगे, तोड़कर ले जाने हैं घर। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ें मिलाकर हम इसका बनाने वाले हैं ऑयल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसको शरीफा भी कहते हैं, शरीफा का फल। तो इसका बीजा का हमारा ज़रूरत है, इसके जो अंदर बीजे रहते हैं बीजा उसकी हम प्रयोग करने वाले हैं ऑयल बनाने के लिए। तो इसको हम चलिए घर ले जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला क्या क्या चीज़ें हम मिलाकर इसमें बनाते हैं। ये है धतूरा का, धतूरा का बीजा है, ये देख रहे हैं ना डाली, ये धतूरा का फूल, ये सूख के फट गया है। अब इसको हम लोग दवाई बनाएंगे, देखते जाइए। इसका तो फल ले चुके हैं, अब इसका सिकड़ भी थोड़ा लेना पड़ेगा। यही सब मिला के हम लोग बनाएंगे, और भी है सामान। हाँ, ये जो घास दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है प्लास का गांच। देखिए प्लास का गांच, इसका सिकड़ हम लोग लेते हैं, इसका सिकड़ लेके और बनाएंगे।
ये देखिए, इसको तो हम लोग बंगला में बोलते हैं मदल पका और हिंदी में कहा जाता है सीताफल। ये जो सीताफल का है इसको हम लोग पीसते हैं कूट के, और ये जो है ये आपका धतूरा जो कि हमने दिखाया, धतूरा का फल है और ये उसी गाँच का सिक्कड़ है। ये सब हम लोग पीसेंगे। और ये जो एक तो गाँच का है ये बोलते हैं हम लोग पलास, जंगल में ज़्यादा होता है। इसको हम लोग तीन किस्म का सिक्कड़ और ये सीताफल मिला के हम लोग इस तेल में बनाएंगे। इसको पूरा पकाएंगे। पकाने के बाद में इस तेल जो है ये मटेरियल जितना पक के तेल बन गया, दवाई आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका जो बात होता है ना ये लगाइए, आपको फिर ट्रेनिंग में पता चलेगा कि सही है कि गलत है। 10 दिन के अंदर में समझ में आएगा कि हाँ कैसा लगा। ये जो चीज़ है, क्योंकि बहुत आदमी है कि ये सब चीज़ नहीं बताता, लेकिन हम लोग बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का भी तो ज़िंदगी आज ज़्यादा दिन का नहीं है ना, सीखे रहने से किसी का काम आएगा, इसीलिए हम लोग बता दे रहे हैं। नहीं तो ये सब चीज़ हम लोग बताते नहीं है, दवाई बना के दे देते हैं लेकिन ये सब बताने का नहीं है। ये इसलिए कि और भी आदमी सीख सकता है, इसीलिए हम लोग दे रहे हैं। इसको हम लोग पीसेंगे अभी, ठीक है। ये सब हमने जो तीन किस्म का चीज़ जो बताए थे सब हम लोग कूट दिए, क्योंकि इतना मेहनत करने का दरकार नहीं है। अब इसको हम लोग, हाँ तो देखिए ये सरसों का तेल है और इसमें गरम होके हम लोग छोड़ देंगे। इसको पूरा जला देंगे, जलाने के बाद ही ये कंप्लीट हो जाएगा दवाई आपका। ये हमने छोड़ रहे हैं, खड़ी जो घुटना का दर्द है वो आपको खुद समझ में आएगा। और ये जो चीज़ है ये तेल बहुत जहरीली चीज़ है, लगाइएगा तो हाथ बढ़िया से धोइएगा, क्योंकि ये धतूरा का जो फल है ना बहुत डेंजर चीज़ है। और उसी हिसाब से हम लोग बनाए हैं। इसको अभी हमने ठंडा करने देंगे और कोई बढ़िया शीशी में रख देंगे। हाँ, जो हमने घुटना का जो तेल बताया, इस तेल को आपको सुबह में और सोने का समय में आप लगाइए। और ये तेल है आपको मैंने धीरे धीरे असर पड़ेगा, लेकिन आपका दर्द जो है वो जड़ से ख़त्म होगा और कभी होगा भी नहीं। और ये जो मेडिकल का जो भी दवाई है बहुत तरह का वो अलग है, और ये जो है तो जंगल का जड़ी बूटी से बनाया गया है। इसमें क्या है कि धीरे मात्रा में काम होगा लेकिन सही ढंग से होगा। 10-15 दिन के अंदर में लगाने का समय में आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, आपको खुद समझिएगा।